जब भी पहाड़ में जाओ थोड़ा सावधानी से चलो, क्योंकि कई बार सांप वगैरह तो मिल जाते हैं, तो थोड़ा देख के चलना पड़ता है। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है और आज साथ में है नवीन रावत। नवीन डेली शाम को वॉक पर जाता है, तो आज उसने बोला कि मैं भी चलूं, तो हम साथ में घूमने जा रहे हैं। यह है हिंजवाड़ी फेज 3 का इलाका, टेक पार्क और गांव। हेलो गाइस, हम छोटा सा एक वॉक करने आए हैं और देखना इस छोटे से वॉक पर हम पहाड़ तक पहुंच जाएंगे। तो ये फेज 3 हिंजवाड़ी की खूबसूरती है कि आप थोड़ा सा अपने घर से बाहर निकलें और आप जंगल में जा सकते हैं और एक आराम से आपका कार्डियो एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे अप्स एंड डाउन पे आप चलेंगे तो आपको फील होगा कि आपको मतलब ट्रेडमिल वगैरह पे चलने की जरूरत नहीं है और आप नेचर में ही आप चल सकते हैं, तो कनेक्टेड रह सकते हैं। आप आगे वीडियो देखते रहिए। तो घूमते घूमते हम पहुँच गए हैं मेट्रो का जो काम चल रहा है उसके लिए, यहाँ पर RCC को मिक्स किया जाता है। यहाँ पे हिंजवाड़ी फेज 3 से शिवाजी नगर जाने वाली मेट्रो का काम चालू है। तो जो आपको पिलर्स में जो कंपोनेंट्स दिखते हैं, जो आप बोलते हैं ना कि सब कुछ बन के आता है, तो ऐसे ऐसे असेंबली पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आप जो है RCC से और ये सब कॉन्क्रीट मिला के ये जो स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर मेरे राइट हैंड साइड पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ रखे हुए हैं स्ट्रक्चर्स, तो ऐसे बन बन के डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ऐसे बनते हैं और ये असेंबली पॉइंट पे फिर जाते हैं। और ये रहे स्ट्रक्चर, अगर देखेंगे तो आप इसी स्ट्रक्चर के पीछे आप देखिए पूरा IT पार्क है फेज 3 का। छोटे छोटे बच्चे आए खेलने के लिए गाँव के। बहुत ही सुंदर सा टेक्नोलॉजिकल पार्क है ये, राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क इसको बोला जाता है। और हर मतलब आप कंपनी का नाम लीजिए और कंपनी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, IT कंपनी ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर हैं। प्लीज लाइक द वीडियो। देखो ये है एक IT कंपनी नीलसॉफ्ट, जो हमने देखा था, ये उसका सर्कल है। पब्लिक निकल रही है ऑफिस से घर की तरफ और सीधा आप यहाँ उसके बाजू से देखोगे तो पूरा जंगल, और ये जंगल के अंदर जाने का रास्ता। ये आगे से कपिल लीड कर रहे हैं हमें जंगल ले जाने के लिए, तो चल के देखते हैं कि जंगल आखिर में है कैसा। ज़्यादा जाने अंदर जाने में थोड़ा डर भी है, कभी कभी सुना है यहाँ पे चीता आ जाते हैं, तो हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बस थोड़ा आप लोगों के लिए दिखाने के लिए कि ऐसा नज़ारा जहाँ पे एक डेवलप्ड शहर, जहाँ IT पार्क है, जिस IT पार्क में लगभग 10 लाख लोगों का रोज़ का आना जाना है, और उस पार्क में आप देखेंगे ये पूरा जंगल। आगे आप वॉल देख रहे होंगे सफ़ेद रंग की, यहाँ पे ये वॉल से आगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एरिया आ जाता है। तो एक कंपनी की जगह देखिए नीलसॉफ्ट, और वहाँ से ये नज़ारा। ये हिंजवाड़ी फेज 3 एरिया है। पुणे में हिंजवाड़ी में सबसे ज़्यादा IT कंपनी है, जैसे और भी एरियाज हैं। ये पहाड़ों से निकला बारिश का पानी है, तो यूजुअली बरसातों में पूरा पानी इकट्ठा होकर के नीचे की तरफ आता है, और वहाँ पे इस तरह के जो है ये रिजर्वेयर जो है पानी को रिचार्ज करने का काम करते हैं। तो अभी जो जानवर है वो यहाँ पे पी भी सकते हैं, जो भी बाढ़ आते हैं, और बाकी पानी जो है वाटर लेवल को रिचार्ज करता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। ऑल्सो यदि आपको लगता है कि आप ये वीडियो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करें। इससे क्या है कि और भी लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। ये देखिए, चलते चलते हमें नजर आया, गर्मियों में जब आग लग गई थी पहाड़ पर, तो आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा, मेरे चैनल पे है, तो उस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने ये तालाब जो यहाँ पे बनाया हुआ है, इसके पास हम आए थे और उस समय बिल्कुल भी पानी नहीं था इसमें। अभी क्योंकि बारिश है, अभी ख़त्म होने वाली है, तो बारिश से सब कुछ फिल हो जाता है। तो इसको जो यहाँ पे जानवर हैं, लोग जो है अपने जानवरों को चराने भी लाते हैं, और वो लोग यहाँ पे उनको पानी वानी भी पी लेते हैं और घास भी खा लेते हैं। इसको देसी भाषा में बोलते हैं भैंसों का चरना, भैंस गाय वो सब चरती है। देसी, चलो आ जाओ। लोग आ जाते हैं और उसके बाद कचरा भी फेंक देते हैं, नेचर की जगह भी खराब हो जाती है इन जगह से। समस्या हमारे लोगों में है कि वो लोग घूमने तो आते हैं लेकिन कचरा साथ लेके आते हैं और छोड़ के जाते हैं। पास में ही यहाँ पर ये मंदिर है, कलमजाई देवी मंदिर, और ये मानगांव में काफ़ी माना जाने वाला मंदिर है, यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं। मोर की आवाज आ रही है। तो कपिल से पूछते हैं, आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा पहाड़ घूमने का? तो पहाड़ों में घूमने का एक्सपीरियंस जो है हमेशा अच्छा ही रहता है। खास करके मुझे ऐसा लगता है कि जब भी पहाड़ में जाओ थोड़ा सावधानी से चलो, क्योंकि कई बार सांप वगैरह तो मिल जाते हैं, तो थोड़ा देख के चलना पड़ता है। बाकी बहुत सामान्य ही रहता है अगर आप बार बार आते रहो। और ये फेज 3 के अंदर भोइरवाड़ी गांव है, जहां पे आपको एक पूरा डेवलप्ड रेसिडेंशियल एरिया मिलेगा, एक पूरा आईटी पार्क मिलेगा, और वहां पे आप उसी के सामने ही आप देखेंगे तो एक गांव भी है, और आज भी वो गांव ही है। और आज भी इधर गाय भैंसे हैं, बकरे हैं, लोग दूध लेने आते हैं इस गांव में। अभी हम जब पहाड़ पे गए थे तो दो लोग वहां पे बेचारे अपनी भैंस ढूंढ रहे थे। क्यों? क्योंकि सभी लोग जो है अपनी भैंसों को चरने के लिए छोड़ते हैं, और बाद में आपको पता चलता है कि वो भैंस वहां से चरने के पॉइंट से कहीं और आगे चली गई, तो वो मिल नहीं रही हैं।